वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं होंडा WRV एंड अपकमिंग होंडा WRV 2023 फेसलिफ्ट के बीच में। हम इन दोनों गाड़ियों के बीच में इन डिटेल कंपैरिजन करेंगे कि अपकमिंग फेसलिफ्ट में आपको क्या नया देखने को मिलेगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइड कार अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। लेंथ की बात करें, ओल्ड मॉडल में आपको 3999 mm की लेंथ देखने को मिलती थी एंड न्यू में आपको 4060 mm की देखने को मिल जाएगी। विड्थ की बात करें, ओल्ड में आपको 1734 एंड न्यू में आपको 1780 mm की विड्थ देखने को मिलेगी। हाइट की बात करें, ओल्ड में आपको 1601 mm की हाइट, न्यू मॉडल में आपको 1608 mm की हाइट। एंड बूट स्पेस की बात करें, ओल्ड मॉडल में आपको 363 liters का बूट देखने को मिलता था एंड न्यू मॉडल में आपको 380 liters का देखने को मिल जाएगा। व्हील बेस पुराने वाले में आपको 2555 mm का देखने को मिलता था विद 188 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, न्यू मॉडल में आपको 2485 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा एंड 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। सो हर लिहाज में आपको न्यू WRV ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस। अगर हम लेंथ की बात करें वहाँ पे भी ज़्यादा है, विड्थ की बात करें वहाँ पे भी आपको चौड़ी देखने को मिल रही है न्यू WRV, हाइट में भी आपको लंबी देखने को मिल रही है। एंड अगर बात करें इन दोनों गाड़ियों के व्हील बेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस की, न्यू WRV में आपको छोटा व्हील बेस देखने को मिल रहा है एंड हायर ग्राउंड क्लियरेंस, जिसकी वजह से उस गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना छोटा व्हील बेस हो एंड जितनी हाई ग्राउंड क्लियरेंस हो वो इतना बेटर होता है ड्यूरिंग ऑफ रोड्स। अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर लुक्स को। सो फ्रंट की बात करें, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, आपको पुरानी वाली में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे विद DRLs एंड न्यू में आपको फुल LED हेडलैम्प्स देखने को मिल रहे हैं विद DRLs एंड LED फॉग लाइट। बाकी आपको किसकी लुक ज़्यादा बेटर लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपको न्यू WRV में थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लुक देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस। साइड लुक की बात करें, साइड से मेन डिफरेंस इसके डोर हैंडल का है। अगर आप बैक डोर हैंडल देखेंगे न्यू WRV में आपको वो पिलर में देखने को मिलेगा, ऑन द अदर साइड ओल्ड में आपको नॉर्मल पोजीशन में देखने को मिलेगा। एंड अगर इन दोनों गाड़ियों के ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें, आपको न्यू WRV थोड़ा कूप डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जिससे उसकी लुक थोड़ी स्पोर्टियर आ रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस WRV। एंड अगर अलॉय व्हील्स की बात करें, प्रीवियस WRV में आपको 16-inch के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते थे एंड न्यू में आपको इसके टॉप एंड वेरियंट में 17 inches के देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। बैक लुक की बात करें, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के टेल लैंप्स। आपको न्यू WRV में न्यू स्टाइल के टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे विद LED वर्क पहले की तरह ही। बाकी आपको डाउन साइड में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे बम्पर में एंड थोड़ा बम्पर स्पोर्टी लुक दे रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस WRV। बाकी आपको दोनों गाड़ियों में रियर वाइपर, रियर कैमरा एंड एमरजेंसी लाइट पोजिशनिंग एंड स्पॉइलर देखने को मिल जाएगी। किसकी लुक बेटर है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मेरे अकॉर्डिंग न्यू WRV में आपको ज़्यादा स्पोर्टी लुक देखने को मिल जाती है बैक एंड फ्रंट से। रूफ की बात करें, आपको इन दोनों गाड़ियों में रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगे विद शार्क फिन एंटीना। एंड अगर सनरूफ की बात करें, वहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, वो हम वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। सो मेरे वीडियो के साथ बने रहें। सो अगर बात करें इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर की, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, ऊपर वाला आपको न्यू मॉडल का देखने को मिलेगा एंड नीचे वाला आपको ओल्ड का। अगर आप न्यू मॉडल का इंटीरियर अमेज के इंटीरियर से कंपेयर करेंगे एंड अगर आप देखेंगे ध्यान से, आपको अमेज वाला ही इंटीरियर देखने को मिल रहा है, मतलब कि आपको पहले से भी बेकार इंटीरियर देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से बेकार है, बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उसको कौन सा डिज़ाइन पसंद आता है। एंड अगर बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, आपको पहले जैसा ही इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल रहा है, मतलब कि स्क्रीन साइज आपको 7 inches ही देखने को मिलेगी विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, वहाँ पे भी आपको नो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, आपको पहले की तरह ही सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। पर मुझे पुराना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू न्यूअर वन आपको एकदम बेकार देखने को मिलेगा अमेज स्टाइल। एंड अगर बात करें AC कंट्रोल्स की, पहले आपको AC कंट्रोल्स थोड़े बहुत टच में देखने को मिलते थे, पर इस बार आपको बटन में देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे भी मैं पुरानी वाली WRV को कंसीडर करूँगा विनर, क्योंकि उसमें आपको टच स्क्रीन देखने को मिलती है एंड वो थोड़ा अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू न्यू WRV। एंड अगर हम बात करें इसके AC वेंट्स की, आपको रियर AC वेंट्स पहली WRV में भी नहीं देखने को मिलते थे। एंड अगर बात करें न्यू मॉडल की, ये भी शोकेस करी गई थी गाड़ी जब इंडोनेशिया में, इसमें भी रियर AC वेंट्स नहीं थे, मतलब कि ये पॉसिबल है कि आपको WRV जब इंडिया में आएगी 2023 इसमें भी आपको रियर AC वेंट्स नहीं देखने को मिले, जो कि बहुत ही बेकार बात है। रियर AC वेंट्स तो होने ही चाहिए।
सो अगर मैं बाकी फीचर्स की बात करूं, जैसे कि सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, ये सब फीचर्स भी आपको नहीं देखने को मिलते थे उस गाड़ी में जो इंडोनेशिया में शोकेस करी गई थी, इसका टॉप एंड वेरिएंट। सो अगर ऐसे ही सेम फीचर्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, मैं तो गारंटी से कहता हूँ कि ये लोग गाड़ी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इस गाड़ी में आपको सनरूफ ही नहीं देखने को मिलेगा। बाकी छोड़ो, एंड 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स एंड वायरलेस चार्जर जैसे कॉमन फीचर्स तो आपको प्रोवाइड करने चाहिए अगर आप इंडिया में लॉन्च कर रहे हो ये गाड़ी। सो मेरी होंडा से रिक्वेस्ट है कि ये सब फीचर्स जो मैंने मेंशन किए, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स को अगर हम छोड़ भी दें, बाकी तीन फीचर्स तो आपको प्रोवाइड करने ही करने हैं अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हैं, मतलब कि इस गाड़ी को अगर आप बेचना चाहते हैं इंडियन मार्केट में। बाकी आपको वही सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी 5 पर्संस की, पर आपको इस गाड़ी में ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस WRV, क्योंकि इस गाड़ी में आपको ज़्यादा लेंथ देखने को मिल रही है, विड्थ भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में ज़्यादा रूम होगा, एंड इस गाड़ी में बूट स्पेस भी ज़्यादा है, 380 लीटर्स का ह्यूज बूट देखने को मिल जाएगा आपको न्यू WRV में। सो अगर सेफ्टी की बात करें, पहली WRV भी काफ़ी सेफ थी, उसमें भी आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलते थे विद हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS/CVT जैसे कॉमन फीचर्स। ये फीचर्स तो आपको 2023 मॉडल में कैरी ऑन कर दिए जाएंगे, पर आपको 2023 में ADAS के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। ADAS के आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको प्रीवियस WRV में नहीं देखने को मिलते थे। अगर मैं ADAS के कुछ फीचर्स का नाम लूँ जो इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोलेजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीपिंग असिस्ट, रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन सिस्टम, ऑटो हाई बीम जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे 2023 होंडा WRV फेसलिफ्ट में, जो आपको पहले WRV में नहीं देखने को मिलते हैं। सो अगर बात करें इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की, आपको पुराने WRV में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 88 BHP एट द रेट 110 Nm ऑफ टॉर्क, एंड दूसरा आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता था 98 BHP एट द रेट 200 Nm ऑफ टॉर्क। पर आपको न्यू WRV 2023 फेसलिफ्ट में सिर्फ पेट्रोल इंजन ही देखने को मिलेगा जो होगा 1.5 लीटर का, पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 121 BHP एट द रेट 145 Nm ऑफ टॉर्क, सेम होंडा सिटी वाला इंजन। एंड अगर डीजल इंजन की बात करें, वो आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आज की रेट पे सारी कंपनीज अपना इंटरेस्ट शो कर रही है टूवर्ड्स पेट्रोल प्लस हाइब्रिड या फुली इलेक्ट्रिक। डीजल कार धीरे धीरे बैन हो रही है इंडियन मार्केट में, जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली हुंडई ने भी ट्वीट किया था कि वो अपने i20 डीजल अगले साल से बंद कर देगा, एंड मारुति ऑलरेडी अपनी सारी कार्स बंद कर चुका है अगर मैं डीजल की बात करूं, एंड धीरे धीरे कंपनी सारी बंद कर रही है डीजल कार, पहले वो छोटी गाड़ियों से शुरुआत कर रही है एंड धीरे धीरे अब वो सीधा SUV पे जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में। ओल्ड मॉडल की बात करें, उसका प्राइस 9.11 लाख से 12.31 लाख तक जाता था एक्स शोरूम। एंड न्यू मॉडल की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं ये गाड़ी अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, पर अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं, उसके करेंसी अगर मैं कन्वर्ट करूं इंडियन करेंसी में, इसके आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं इंडोनेशिया में, जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख ही पा रहे होंगे, एंड प्राइस आप देख ही पा रहे होंगे। लोएस्ट मॉडल का प्राइस है 14.41 लाख, एंड उससे ऊपर 15.36, एंड सबसे टॉप एंड वेरिएंट जिसमें आपको ADAS भी देखने को मिलेगा उसका प्राइस है 16.42 लाख। सो ये था इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं, आपको ऑफकोर्स ज़्यादा बेटर डायमेंशंस देखने को मिल जाती है न्यू मॉडल में विद न्यू एक्सटीरियर लुक्स, काफ़ी बेटर लुक्स है खासकर फ्रंट से। इंटीरियर की बात करूं, वहाँ पे मैं बहुत नाराज हूँ होंडा से, आपको एकदम बेसिक इंटीरियर देखने को मिल रहा है, आपको पुराने से भी बदतर इंटीरियर देखने को मिल रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो आपको सेम अमेज वाला देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये तरक्की करने की जगह एकदम पीछे आ चुके हैं, मतलब कि इंटीरियर आपको एकदम बेकार देखने को मिल रहा है। उसके फीचर्स की बात करूं, इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ना तो सनरूफ था, ना वायरलेस चार्जर, ना वेंटिलेटेड सीट्स, ना 360 डिग्री कैमरा, ये सब फीचर्स तो आज की डेट में ट्रेंडिंग है। आपको ब्रेजा में भी 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाता है, एंड इस गाड़ी में अगर आपको नहीं देखने को मिला, फिर ये गाड़ी 100% है कि नहीं बिकेगी। अगर मैं बात करूँ इंडियन मार्केट की, वहाँ पे लोग ज़्यादा फीचर्स को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कि सनरूफ वगैरह, एंड अगर इस गाड़ी में आपको सनरूफ नहीं देखने को मिला इंटरनेशनल मार्केट की तरह, तो ये गाड़ी 100% श्योर है कि नहीं टक्कर दे पाएगी बाकी कार्स को, अगर मैं बात करूँ ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियाँ या कोई भी जैसे कि ब्रेजा वेन्यू जैसी गाड़ियों को। तो ये था मेरा कंपैरिजन, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल पे ऑलरेडी ऐसे ही कंपैरिजन पड़े रहते हैं, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, टेक केयर।